नमस्कार दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बॉयलर इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही अहम होता है दोस्तों और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। कभी कभी सेकंड क्लास वाले और फर्स्ट क्लास वाले दोनों से ही ये क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ द बॉयलर इंटरलॉकिंग। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज़ द बॉयलर इंटरलॉकिंग, बॉयलर इंटरलॉकिंग क्या है। तो इस कंडीशन में आप लोग पेशेंस रखिएगा और बारीकी से जवाब दीजिएगा। तो इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि बॉयलर इंटरलॉकिंग है क्या। ओके दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम कि इंटरलॉकिंग क्या है। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है, ये शब्द बड़ी ही मतलब कई बार जहन में आते रहता है कि व्हाट इज़ द इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सीधा सीधा मतलब है इसका, इंटरलॉकिंग का मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ना। सीधा बात है, लॉक करना, आपस में एक दूसरे सिस्टम को जोड़ा जाए, उसी को इंटरलॉकिंग कहते हैं। अब जान लेते हैं इंटरलॉकिंग बाईपास, जिसको हम इंटरलॉकिंग बाईपास जैसे सिस्टम से अलग कर देना। अलग अकेले वो चल भी सकता है, बंद भी हो सकता है, सिंगल मतलब अकेले अकेले, उसको बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। और इंटरलॉकिंग का मतलब होता है एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरलॉकिंग क्या है। अब जान लेते हैं बॉयलर में इंटरलॉकिंग कैसे काम करता है। दोस्तों आइए समझते हैं, बॉयलर में इंटरलॉकिंग के लिए सबसे मेन पॉइंट जो होता है आईडी फैन होता है। दोस्तों जी हाँ, आईडी फैन के बारे में सभी को मालूम होगा, इंट्रोड्यूस ड्राफ्ट। आईडी फैन के बारे में मैं बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि सबको मालूम है कि आईडी फैन मतलब इंट्रोड्यूस ड्राफ्ट होता है, जो फ्यूल बर्निंग के दौरान कंबस्चन चैम्बर में एक्स्ट्रा जो गैसेस क्रिएट होती हैं उसको सक करके चिमनी के रास्ते बाहर निकालने का काम करती है। अब दोस्तों इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें आईडी फैन को वाटर लेवल, जो सेल ड्रम का वाटर लेवल होता है, बॉयलर सेल ड्रम का वाटर लेवल, उससे कनेक्ट किया जाता है। अब जान लेते हैं कि आईडी फैन को ड्रम के 25% पे रन किया जाता है। अगर 25% से नीचे अगर वाटर लेवल आता है तो ट्रिप मार देगा, वहीं पे 80% पे तक रनिंग रहेगा, और 85% या 80% से ऊपर जाता है तो भी आईडी फैन ट्रिप मार देगा दोस्तों। तो ये होता है आईडी फैन का इंटरलॉकिंग सेटिंग पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आईडी फैन का इंटरलॉकिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। अभी अब जान लेते हैं बाकी के इक्विपमेंट का इंटरलॉकिंग सिस्टम। अब आती है दोस्तों एफडी फैन की बारी। तो दोस्तों, जैसे आईडी अपना फुल रनिंग में चालू हो जाता है, स्टार से डेल्टा पे गिर जाए, तो होता क्या है, आईडी एफडी को कमांड दे देता है और उस पोजीशन में एफडी जो है रनिंग हो जाती है, और एफडी से ही प्राइमरी एयर को हवा जाती है। तो उस कंडीशन में अपना एफडी चालू हो जाता है और पीएफएन में भी थोड़ा बहुत हवा जाने लगता है। जब एफडी चालू हो जाता है तो एफडी जो है पीएफएन को हवा प्रोवाइड करवा देता है। किसी किसी केस में होता क्या है दोस्तों, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि आईडी चालू होने के बाद पीए चालू होता है। वो मेथड ये होता है कि आईडी के बाद अगर पीए चालू होता है तो लाइन में अपना लाइन चॉकअप नहीं होगा, क्लियर रहेगा। एक्चुअली में देखा जाए तो मेथड जो है आईडी के बाद एफडी चालू होना चाहिए, यही प्रॉपर मेथड होता है। ये कोई बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि हम जो है एफडी से हॉट एयर पीएफएन को प्रोवाइड करवाते हैं। इस मेथड सबसे बड़ी बात ये होती है कि एफडी को पीएफएन को जब हॉट एयर प्रोवाइड कराई जाए तो उस कंडीशन में एफडी को रन होना ज़रूरी होता है। इसके लिए हम पहले एफडी को रनिंग करते हैं, बाद में पीएफएन को रनिंग करते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों कोल फीडर सिस्टम की रनिंग होने के बाद। तो जैसे हमारा ये एफडी फैन और पीएफएन रनिंग आ जाता है, उस पोजीशन में कोल सिस्टम जो है अपना रनिंग हो जाता है।
और उसके बाद आता है ड्रग चैन फीडर का वायर, समझे। ड्रग चैन फीडर भी ऑन हो जाता है DCF। तो ये है अपना इंटरलॉकिंग सिस्टम दोस्तों। ये बड़ी अहम क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं तो समझता हूँ कि हर साल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रैंक पे रहता है, मतलब टॉप पे रहता है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को इंटरलॉकिंग सिस्टम का थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। तो ज़्यादा फंडा नहीं है, जितना मैं समझाया हूँ उतना अगर आप अंदर इसका 50% भी अगर जवाब दे देते हो तो मैं समझता हूँ कि आपका जवाब क्वेश्चन का आंसर जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा लाता ही रहता हूँ अपने चैनल पे दोस्तों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बस यहीं तक रहेगा, आज का सेवा आप लोगों के लिए यहीं तक रहेगा। आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद दोस्तों।